ठगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वो ही टैगलाइन है। हैदराबाद से बाहर चले जाइए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विफल है, पूरी तरह से पैसा एक जगह केंद्रित है और यही तेलंगाना की असलियत आज बन के रह गई है। यहाँ पर वादा क्या था और पूरा क्या हुआ ये पता ही नहीं है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज 10 साल बाद एक परिवार जो चीफ मिनिस्टर का परिवार है वो अमीर हुआ है, उनके साधन बढ़े हैं, उनकी आय बढ़ी है, उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं, उनके पास पैसा है। असलियत तो यह है कि तेलंगाना के लोगों के साथ, जिनके साथ सत्ता साझा होनी थी, जिनके साथ सत्ता को शेयर किया जाना था, वो अलग थलग पड़े हुए हैं और केसीआर का एक परिवार बढ़ता जा रहा है। कोई ये कैसे समझा सकता है कि एक ही परिवार के तीन लोग सबसे बड़े बड़े पोर्टफोलियो पर बैठे हुए हैं? चीफ मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेवेन्यू हो गया, हेल्थ हो गया, इरिगेशन हो गया, इंडस्ट्रीज, हैंडलूम्स, टेक्सटाइल्स, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, सारे बड़े मंत्रालय, जिन बड़े मंत्रालयों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते जिससे लोगों को रोजगार मिलता, जिससे लोगों का भला होता, वो सारे मंत्रालय एक ही परिवार के पास, एक ही परिवार की बपौती बनकर रह गए। एवरेज आय तेलंगाना के हर व्यक्ति की या तो उतनी है या कम हो गई, लेकिन एवरेज आय केसीआर के परिवार की एक दो गुना नहीं, तमाम गुना बढ़ी। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने घोटाले ना किए। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक बड़ी फेमस लड्डू की दुकान है। What do you call लड्डू इन लड्डू? बहुत फेमस लड्डू की दुकान है कानपुर में। उसका बंटी और बबली पिक्चर में भी जिक्र है। उसकी पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वो ही टैगलाइन है। तेलंगाना बना था कि लोगों का भला होगा, तेलंगाना बना था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा, वृद्धों का भला होगा। और तेलंगाना में हैदराबाद से बाहर चले जाइए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विफल है, पूरी तरह से पैसा एक जगह केंद्रित है और यही तेलंगाना की असलियत आज बन के रह गई है। मैं अमूमन इल्जाम लगाने में यकीन नहीं करती हूं, हमें अपनी बात करनी चाहिए जो मैं अभी करूंगी, लेकिन 10 साल से सरकार है और 10 साल की सरकार जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। आज हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं जहां से मैं आ रही हूं, हम दावे के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं मैनिफेस्टो के कहीं पर 96%, 96%, कहीं पर 97%, कहीं पर 98% वादे हमने पूरे किए और फिर से जनता से हम वोट मांग रहे हैं। यहां पर वादा क्या था और पूरा क्या हुआ ये पता ही नहीं है। असलियत तो यह है कि केसीआर बीआरएस के मैनिफेस्टो ने कहा था वो गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर और डीएससी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 2014 से एक भी भर्ती नहीं हुई। कहा गया था 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आज उस पैसे के हिसाब से 1,79,912 रुपीज सबको मिल जाने चाहिए थे, 1,89,912 रुपए। बात थी किसानों को मुफ्त में फर्टिलाइजर दिया जाएगा, 26 लाख किसान जो है, 26 लाख टन जो है वो 55 लाख फार्मर्स को देना था, किसानों को देना था, वो मुंह बाए खड़े। असलियत तो ये है कि 8,000 किसानों ने इनकी नाक के नीचे खुदकुशी की है। बात थी केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त करेंगे, क्यों नहीं मुफ्त करी? एक नया स्कूल सिवाय एक स्कूल के नहीं बनाया, वहां पर भी घोटाला हुआ। बात थी कि 5 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 बेडरूम घर कंस्ट्रक्ट करने के, वो नहीं दिए गए। तो सवाल यह है कि आपने इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, जो इतने बड़े बड़े जुमले किए थे, उसमें आपने हासिल क्या किया? और कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे भाजपा झूठ बोलती है वैसे ये भी झूठ बोलते हैं। वो दुगना करने वाले थे, ये भी कहते थे। 8,000 किसानों की शहादत हुई है, लोन माफ करने का, ऋण माफ करने का कोई काम नहीं हुआ।
हमने बोला फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है उसका ब्यौरा दीजिए, तो उन्होंने लॉग बुक्स छिपा दी, कोई ब्यौरा नहीं दिया क्योंकि दिखाने के लिए नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एंटी यूथ, एंटी फार्मर, एंटी वुमेन काम हुए, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज की जरूर बात करना चाहती हूं। 54% पिछड़ा वर्ग है तेलंगाना में, मात्र 3 मंत्री हैं, ये प्रतिनिधित्व है। आपने 45% फंड एससी का, 48% फंड एसटी का, 25,000 करोड़ रुपए ओबीसी फंड के इधर उधर डाइवर्ट कर दिए। वो गबन हो गया, पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया। केसीआर तो बहुत ताल ठोक के कहते थे कि पहला चीफ मिनिस्टर दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुर्सी से ऐसा चिपके कि दलितों को ही भूल गए तेलंगाना के। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के काम करने के लिए बनती हैं, लोगों की समृद्धि के लिए बनती हैं, लोगों के भले के लिए बनती हैं। लेकिन यहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए, बेटे के लिए और दामाद और लड़की के लिए चल रही है। असलियत ये है, यहाँ की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। मैं आपको ये न्यूज़पेपर क्लिप दिखाना चाहती हूँ, ये कांग्रेस की असलियत है। आज वो शुभ दिन है जब हमारी कर्नाटका की सरकार को 6 महीने हो गए, आधा साल एनिवर्सरी है आज हमारी, 6 महीने की एनिवर्सरी है। और न्यूज़पेपर में आपने ये एड देखा होगा, ये असलियत है कांग्रेस की सरकार की। 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी थी और 5 बड़ी गारंटी हमने कर्नाटका के लोगों से करी थी। आपके बगल में कर्नाटका है, कर्नाटका के तमाम नेता यहां आए, आप उनसे पूछिएगा, अपने रिश्तेदारों से पूछिएगा वहां पर। तो सरकारें इसलिए चुनी जाती है कि जो आपने किया है वो आप करके दिखाएंगे, जो आपने कहा है वो आप करके दिखाएंगे। यहां पर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता हुआ लगता है। सारे शहर को आपके पास इतना पैसा है जितना भगवान नहीं छाप सकते, आपने सारे शहर को अपनी पोस्टर, अपनी होर्डिंग से जरूर भर दिया होगा। लेकिन असलियत यह है कि गांवों में, देहातों में, शहरों में युवा, महिला, किसान, बेरोजगार परेशान है और वो बदलाव चाहता है। मैं अंत में 2 शब्द उन लोगों के लिए कहना चाहती हूं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने हुए हैं लगातार। किस मुंह से बीआरएस बात करता है या पार्टी बात करती है तेलंगाना में आपकी संस्कृति को बचाने की? ऐसा कोई कानून नहीं है, वो काले कृषि कानून हो, वो सीए हो, वो एनआरसी हो, ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर भाजपा को संकट है और वहां पर ये जो साहब है हमारे, आपके मुख्यमंत्री केसीआर, वो संकट मोचन बन के खड़े हो जाते हैं। ही ऑलवेज रेस्क्यूज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज द एब्सोल्यूट टीम बी ऑफ द बीजेपी। एक दूसरे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े करना, एक दूसरे के कानून पास कराना, एक दूसरे के पीछे से मिली भगत, दिस इज व्हाट टीम बी लुक्स लाइक एंड ही इज द सर्टिफाइड टीम बी ऑफ द बीजेपी। एंड देन देयर इज अनदर जेंटलमैन, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा सीट लड़ेंगे, यहां पर 9 लड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों 9 लड़ रहे हैं यहां पर? आपका प्रदेश है, लड़िए और सीट यहां पर। तो असलियत यह है कि टीम बी ऑफ द बीजेपी, और बीजेपी से इस देश को बचाना है और उसके लिए आपके माध्यम से हम वोट की अपील करते हैं।